हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बता रहे हैं आपको केले के छिलके की आसान ट्रिक्स। केले के छिलके को आप किस तरह से अपने घर में लगे प्लांट्स में यूज कर सकते हैं, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि हम जो केले के छिलके हैं इनको छोटा छोटा बारीक काट लेंगे। क्या है कि इनको छोटा छोटा बारीक काट लेंगे, उसके बाद हम इसमें से पानी में रखेंगे। आपको पूरी विधि हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और वीडियो को पूरा देखना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आप लोगों को वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए है तो आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि हमने केले के छिलके को छोटा छोटा बारीक काट लिया है, और ये हमने इसमें ज़्यादा नहीं, चार ही केले लिए हुए हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा केले लेते हैं तो वीडियो कुछ काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है, और जानकारी के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, ये हम छोटे छोटे केले के बारीक टुकड़े काट रहे हैं। ये सिर्फ चार केले हमने लिए हैं, आप लोग चाहें चार या आठ जितने ले सकते हैं। जितना केले के छिलके होंगे उतना ही आप लोगों को पानी रखना है, और इस पानी को 24 घंटे के लिए किसी ठंडी जगह पे रखना है। मेरा मतलब है फ्रिज में नहीं रखना है, कहीं भी जहाँ पर धूप ना आती हो। आप कहीं भी घर में रख सकते हैं, अपने प्लांट्स के आसपास भी कहीं जहाँ पर हमेशा ठंडा बना रहता हो वहाँ पे रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन केलों को छोटा छोटा बारीक काटेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे सभी केले कट चुके हैं, और अब हम इन्हें एक बॉक्स में भरेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम इस डिब्बे में इन छिलकों को भर रहे हैं। अगर आप लोगों के पास डिब्बा है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग एक बोतल में भी भर सकते हैं, और बोतल ना हो तो किसी भी बर्तन में रख सकते हैं। मैंने इसको डिब्बे में इसलिए रखा है ताकि इसे बाद में मिक्स करने में दिक्कत ना हो। अगर आप लोग किसी बर्तन में रखते हैं तो उसे किसी लकड़ी से बाद में मिक्स कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें पानी भरते हैं, और पानी भरने के बाद आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप फ्रेंड्स देख रहे हैं, अब हमने इस डिब्बे में पानी भर लिया है, और इसमें मैंने ज़्यादा पानी नहीं भरा है क्योंकि छिलके कम थे, तो उसी हिसाब से मैंने इसमें पानी भरा है। आप लोग भी छिलके के हिसाब से ही पानी भरें। ये आप डिब्बा देख रहे हैं, लगभग इतना ही मैंने भरा है। और अब इसको क्या करना है, हम इसे ठंडे में रख देते हैं, और उस 24 घंटे से लेकर 48 घंटे तक इसको रखना है, और उसके बीच में एक दो बार इसको अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि अगर जो आप अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं, हिला देंगे, तो ये पानी जो है अच्छी तरह से केले के छिलके हैं जो मिक्स हो जाएंगे। तो चलिए अब हम इसको रख देते हैं, और 30 घंटे के बाद लगभग मैं इसको उठा के आप लोगों को दिखाऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, 30 घंटे हो चुके हैं, और लगभग 30 घंटों के बाद ये पानी देखो इस तरह से मिक्स कर लिया है मैंने दोबारा। मैंने इसको अभी 12 घंटे के बाद भी अच्छी तरह से मिक्स किया था, जो कि मैंने वीडियो में नहीं बताया है, लेकिन अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तो आप लोग ध्यान रखना, इसको एक दो बार अच्छे से मिक्स करना है। और अभी ये लगभग तैयार हो चुका है, और हम इसे प्लांट्स में डालने के लिए रेडी हैं। आपके पास जितने भी पौधे हैं उनमें सब में थोड़ा थोड़ा करके आप डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा ही डालें या एक बार में ही डालें। अभी डाल देते हैं, हफ्ते दो हफ्ते बाद दोबारा फिर से बना लेंगे और इसको डाल देंगे। अब ये हमारा पानी रेडी है, तो चलिए अब हम इसको अपने प्लांट्स में डालते हैं। आप लोग देखेंगे फ्रेंड्स, इन प्लांट्स में मैं पहले भी ऐसा कुछ कर चुका हूँ, इसके बाद छोटे से ही प्लांट्स हैं, और लेकिन कितने अच्छी तरीके से फूल आते हैं। इसमें कई तरह के मेरे प्लांट्स हैं, उन सभी में मैं ये डाल देता हूँ। ये अभी नया नया पौधा लगाया हुआ है, इसमें भी डाल देता हूँ ताकि ये और जल्दी से ग्रो करे। अब मैंने फ्रेंड्स ये बोतल चेंज कर दी है, क्योंकि इसमें बार बार वो छिलके आ रहे थे, इसीलिए मैंने नई बोतल में पानी ले लिया है, और मैं अब लगभग अपने सभी प्लांट्स में थोड़ा थोड़ा डाल देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है, आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताते रहना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है। और ये छोटे छोटे मैंने पौधे बहुत से लगा रखे हैं, और ये छत पे मैंने गमलों में लगा रखे हैं। आप लोग जो
चाहे तो ज़मीन पे अगर जो पेड़ लगे हैं उनमें भी लगा सकते हैं, तो ये और ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेगा। अब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो बचे हुए जो छिलके थे, पानी तो आपने पौधों में डाल दिया, लेकिन ये जो छिलके बचे हैं इनको आप मिट्टी में मिक्स कर दें, क्योंकि ये सूख के इसी मिट्टी में मिक्स हो जाएगा, तो ये मिट्टी जो है बहुत ही अच्छी उपजाऊ हो जाएगी। इसमें जब आप पौधे लगाते हैं तो आपको अच्छी तरह से पौधे आपके ग्रो करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और कोई चीज़ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल एग्रीकल्चर हट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।